चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. 1 + 3 / 2, 6 / 3, 10 / 4 अप टू इनफाइनाइट समीशन निकालना है. अब हम अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें तो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जो न्यूमरेटर में सीरीज दी है वो क्या दी है, 1, 3, 6, 10 and so on, राइट. इसका डिफरेंस देखें तो 2, इसका डिफरेंस 3, इसका 4, मतलब गिवन सीरीज जो है वो स्पेशल एपीए. स्पेशल एपीए मतलब ये हुआ कि फर्स्ट टर्म 1 है, प्रीवियस टर्म मैंने आपसे बोला था सेपरेट करें तो 1 + 2 बाय फैक्टोरियल 2 है, फिर 1 + 2 + 3 प्रीवियस टर्म को सेपरेट करते चलें फैक्टोरियल 3 है, नेक्स्ट टर्म है 1 + 2 + 3 + 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 है एंड सो ऑन. मीन्स अगर मुझे इसका एनिट टर्म लिखना होगा तो क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू एन टर्म अपॉन फैक्टोरियल ऑफ एन, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू एन अपॉन फैक्टोरियल एन, क्योंकि 1 में 1 टर्म है, 2 में 2 है, 3 में 3 है, तो एन में एन होंगे. इसको हम सिग्मा एन भी लिख सकते थे अपॉन फैक्टोरियल एन. अब सिग्मा एन क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2 फैक्टोरियल एन. तो पहला स्टेप हुआ टू फाइंड एन एट टर्म, यहाँ तक हो गए. अब ये एन तो डायरेक्टली कैंसिल भी कर सकते थे, यानी ये हो गया 1/2 एन, एन प्लस 1, एन बाहर आया तो एन माइनस 1 कैंसिल हुआ, एन प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एन माइनस 1. क्या करेंगे, ऑब्वियसली माइनस 1 तो प्लस 1 तो ये 2 हो गया, बाय 2 टाइम्स ऑफ एन माइनस 1. अब सेपरेट लिखें तो 1/2 एन माइनस 1 अलग लिख लिया, प्लस 2 अपॉन एन माइनस 1 अलग लिखा, ये वाला पोर्शन कैंसिल हुआ तो ये मिला 1 अपॉन एन माइनस 2 प्लस 2 अपॉन एन माइनस 1, ये हो गया 1/2 ई प्लस 2e, देन फाइनली आंसर 3e/2. देखिए स्पेशल एपी बेस्ड क्वेश्चन था, डिफरेंसेस सेम नहीं थे, बट डिफरेंसेस जो थे वो एपी बना रहे थे. इसका मतलब स्पेशल एपी थी, एन एट टर्म निकाला, एन को सॉल्व किया, डायरेक्टली आंसर आ गया 3e/2. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 / फैक्टोरियल 1, 1 + 3 / 2, 1 + 3 + 5 / 3 एंड सो ऑन. इस क्वेश्चन को ऐसा भी लिखा दिया जा सकता था, 1 / फैक्टोरियल 1, 4 / फैक्टोरियल 2, 9 / फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, राइट. अब ये स्पेशल एपी बेस्ड क्वेश्चन ही है और एनिट टर्म निकालना इसका काफ़ी सिंपल है. देखिए इसमें डिफरेंस 3 है, इसमें 5 है, फिर 7 मिलेगा क्योंकि 16 आएगा. पर हम यहाँ पर ध्यान दें तो एनिट टर्म हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे. कैसे, ये 1 है, ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, फिर 4 स्क्वायर, फिर 5 स्क्वायर, तो एन में एन स्क्वायर 1, 2, 3 है, यानी फैक्टोरियल एन. या दूसरे लॉजिक से देखें, हमारे पास फर्स्ट टर्म है 1, सेकेंड है 1 + 3, नेक्स्ट है 1 + 3 + 5, ऐसी एन टर्म में मिलेगा 1 + 3 + 5 अप टू एन टर्म. ये ऑड की सीरीज है, ऑड की सीरीज का मैंने आपको डायरेक्टली समीशन याद करवाया था, एन स्क्वायर होता है. नहीं याद रहे आप इस फॉर्मूले से निकाल लीजिए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यहाँ पर यह हुआ एन स्क्वायर बाय फैक्टोरियल एन, एक एन को हम कैंसिल करते हैं तो एन माइनस 1, तो एन अपॉन एन माइनस 1. क्या करेंगे, माइनस 1 प्लस 1 करिए, एन माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1 सेपरेटली लिखा, एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1. वैसे आप ये स्टेप्स को सेव करना चालू करें, ये कैंसिल हुआ तो रिजल्ट मिला 1 / (n-2) + 1 / (n-1). ये भी ई हुआ, ये भी ई हुआ, फाइनल रिजल्ट इज 2e. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 / फैक्टोरियल 1, 1 + 2 / फैक्टोरियल 2, 1 + 2 + 2² / 3, 1 + 2 + 2² + 2³ / 3. ध्यान से देखें तो ये एपी नहीं है क्योंकि 2 है, फिर 2² है, 2³ है, यहाँ पर जीपी लगेगी. अगर मुझे इसका एनिट टर्म लिखना होगा तो क्या होगा, 1 + 2 + 2² + 2³ अप टू एन टर्म, अप टू एन टर्म, बाय एन टर्म
क्योंकि फर्स्ट टर्म में वन टर्म है, सेकंड टर्म में टू टर्म है, थर्ड टर्म में थ्री टर्म है, फोर्थ टर्म में फोर टर्म है, तो ऑब्वियसली एन टर्म में एन टर्म होंगे बाय फैक्टोरियल एन। अब ये देखिए जीपी है, इसमें रेशियो सेम है, तो जीपी है, जीपी के एन टर्म का समेशन होता है ए इंटू आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो अगर मैं इसमें फार्मूला लगाऊं तो क्या होगा, वन इंटू टू पावर, क्योंकि रेशो टू है, टू पावर एन माइनस वन अपॉन टू माइनस वन इंटू फैक्टोरियल एन। टू माइनस वन वन हो गया, तो हमको मिला टू पावर एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल एन, यानी फाइनली मुझे कुछ रिजल्ट ऐसा मिला, टू पावर एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस वन बाय फैक्टोरियल एन। अब यहाँ पे आके मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, अब तक आपको इसका रिजल्ट तो याद करवाया था, पर अगर कांस्टेंट भी है तो क्या होगा, जैसे अगर सपोज टी एन ए पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन है, तो इसका समीशन क्या होगा ये समझते हैं। सपोज आपने एन की जगह वन रखा तो आपको मिलेगा ए बाय फैक्टोरियल वन, टू रखा ए स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू, थ्री रखा ए क्यूब बाय फैक्टोरियल थ्री, राइट। जब इसको ऐड करेंगे तो एक वन की कमी है, यानी इसका एसएन हमेशा याद रखिएगा क्या होगा, ई पावर ए माइनस ऑफ वन। तो इसका मतलब ये हुआ ई की पावर टू माइनस वन माइनस ये ई माइनस वन था, ओपन करेंगे तो वन से वन कैंसिल हो जाएगा, तो ई स्क्वायर माइनस ऑफ ई इज राइट आंसर, ई स्क्वायर माइनस ई इज राइट आंसर। यस, एक और क्वेश्चन देखते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है देखिए, वन अपॉन फैक्टोरियल वन, वन प्लस थ्री अपॉन फैक्टोरियल टू, वन प्लस थ्री स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल थ्री, वन प्लस थ्री स्क्वायर प्लस थ्री क्यूब अपॉन फैक्टोरियल फोर, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। अगर मैं आपसे बोलूं इसका एनिट टर्म क्या होगा, तो आप बोलोगे वन प्लस थ्री स्क्वायर प्लस थ्री क्यूब अप टू एन टर्म, नीचे बाय फैक्टोरियल एन आएगा। देन अगेन जीपी है, जीपी के एन टर्म का समेशन, मैं बार बार ये फॉर्मूले इसलिए लिखता हूँ कि आपको भी ये आदत पड़े और आप बार बार लिखें फॉर्मूले, जिससे कि फॉर्मूले रिवाइज होते रहें। अब इसका मैं समेशन करूँ तो ए वन है, थ्री पावर एन माइनस वन अपॉन थ्री माइनस वन इन टू फैक्टोरियल एन। अब ये वन बाय टू आप चाहें तो बाहर लिख दें, ये थ्री पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन हुआ, ये माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल एन हुआ। अभी हमने समझा था अगर यहाँ वन से स्टार्ट करें तो ये ई क्यूब माइनस वन की सीरीज है, ये ई माइनस वन की सीरीज है, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली वन बाय टू ई क्यूब माइनस ई या ई बाय टू ई स्क्वायर माइनस वन, डिपेंड ऑन ऑप्शन जो भी मिले। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक सीरीज ऐसी है कि इसके अगर आपने स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न के आपको मिलेंगे, नोट करिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थ्री टर्म से, थ्री डिफरेंट एपी से मिलके बना हुआ, वन टू थ्री, टू थ्री फोर, थ्री फोर फाइव, नीचे फैक्टोरियल वन, फैक्टोरियल टू, फैक्टोरियल थ्री है। अगर मैं आपसे बोलूँ एनिट टर्म निकालो तो याद रखिएगा वन टू थ्री का अलग निकलेगा एन, टू थ्री फोर का अलग निकलेगा एन प्लस वन। एनिट टर्म के फॉर्मूले से निकालने अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन है तो यूज एन एस प्लस वन फॉर्म, एनिट टर्म वाला फॉर्मूला, और थ्री फोर फाइव यानी एन प्लस टू बाय फैक्टोरियल एन क्या होगा, एक एन आप कैंसिल डायरेक्टली कर पाएंगे। अभी हम स्टेप वाइज करते हैं, एन प्लस वन एन प्लस टू बाय फैक्टोरियल एन, तो एन माइनस वन, एक एन तो डायरेक्टली कैंसिल, तो क्या मिला रिजल्ट, एन प्लस वन एन प्लस टू बाय फैक्टोरियल एन माइनस वन। अब हमको ऊपर और नीचे सेम रिजल्ट बनाना है, तो सिंपल सा पैटर्न ये होगा कि पहले हम इसका मल्टीप्लाई कर लें, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, बस यही स्टेप है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इस रिजल्ट आएगा एन स्क्वायर थ्री एन प्लस टू बाय फैक्टोरियल एन माइनस वन, राइट। अब हम सेपरेट लिख देते हैं, सेपरेट लिखा तो एन स्क्वायर बाय फैक्टोरियल एन माइनस वन, यहाँ पर लिखा, वैसे एक बार में भी लिख सकते थे आप, थ्री एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन प्लस टू अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन। अब इसका रिजल्ट आपको ऑलरेडी पता है, इसको हमें सेम बनाना होगा, यानी आप क्या करेंगे, आप माइनस वन किया आपने
प्लस वन किया। आप कोशिश करिए स्टेप में कम से कम स्टेप लगे, इस स्टेप पे जाके यहाँ पर हम आए तो थ्री अंदर ही माइनस वन प्लस वन किया प्लस ये हो गया टू ई। अब इसको मैं अलग अलग लिखूँ तो इसके फैक्टर बनेंगे एन माइनस वन एन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन। यहाँ पर अलग अलग लिखा तो थ्री एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन प्लस थ्री अपॉन एन माइनस वन प्लस टू ई। अब देखिए एक फैक्टर कैंसिल तो ये हुआ एन प्लस वन अपॉन एन माइनस टू, यहाँ पर ये ई, ये कैंसिल होने के बाद में थ्री ई, ये भी थ्री ई, ये भी टू ई, फाइव प्लस थ्री एट प्लस वन नाइन ई, तो नाइन ई तक तो हम आ गए। और यहाँ पर माइनस टू करो एंड प्लस टू तो ये थ्री हो जाएगा एन माइनस टू, ये हो गया टोटल नाइन ई। इसको भी अगर मैं डायरेक्टली कैंसिल कर दूँ तो ई ये बाद में जाके थ्री ई प्लस नाइन ई, नेट आंसर इज थर्टीन ई। नोट करिए बस ये सॉल्व करने में कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए और धीरे धीरे कोशिश मैं करूँगा कि आप भी स्टेप आपको कम से कम लिखूँ जिससे आपको स्टेप सेव करने की आदत पड़े। नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर क्वेश्चन है बट क्या चेंज है वो देखते हैं। वन टू थ्री 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 फाइव फाइव फोर सेवन, अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर वन थ्री फाइव एक अलग सीरीज है, वन थ्री फाइव एक टू थ्री फोर और एक है थ्री फाइव सेवन, यानी ये थ्री डिफरेंट एपी है जिनका हमें एनेट टर्म निकालना है। क्या होगा एनेट टर्म वन थ्री फाइव का अगर हम फॉर्मूले से निकालेंगे तो टू एन माइनस वन, राइट। टू थ्री फोर का निकालेंगे एन प्लस वन, एन प्लस वन। अब क्रॉस चेक कर लो आप चाहो तो, जैसे थ्री रखा तो थ्री वन फोर हो गया, ये देखो। अब थ्री फाइव सेवन का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा टू एन प्लस वन बाय फैक्टोरियल ऑफ एन बाय फैक्टोरियल ऑफ एन। अब बस इसको सॉल्व करना हमारे लिए ऑब्जेक्ट है। क्या क्या आया टू एन माइनस वन एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल एन। क्रॉस चेक करा एन की जगह थ्री रखा, थ्री टू जा सिक्स माइनस वन फाइव, थ्री प्लस वन फोर, थ्री टू जा सिक्स प्लस वन सेवन बाय फैक्टोरियल थ्री। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमको ये मिलेगा एन प्लस वन, इन दोनों का आपस में किया तो फोर एन स्क्वायर माइनस वन बाय फैक्टोरियल एन। इसको भी मल्टीप्लाई कर दें तो फाइनली मिलेगा फोर एन क्यूब प्लस फोर एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन बाय फैक्टोरियल एन। अब आपको एक ही काम करना है कि इन तीनों को या तो सेपरेटली हम सेपरेट करके इसके इक्वल लाएं। देखिए ध्यान दीजिएगा 4n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर माइनस n माइनस 1। अब मैं अगर सेपरेटली डिवाइड करूं तो मुझे क्या क्या मिलने वाला, देखिए 4n क्यूब बाय फैक्टोरियल n प्लस 4n स्क्वायर बाय फैक्टोरियल n माइनस n अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल एन। अब अगर हम नोटिस करें तो एक कैंसिल, अब थोड़ा स्टेप सेव करना है, फोर एन स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन, यहाँ पे कैंसिल किया फोर एन अपॉन एन माइनस वन, यहाँ कैंसिल किया वन अपॉन एन माइनस वन। यहाँ पे रिजल्ट पता है, लिख दीजिए ई माइनस वन रिजल्ट मिल गया आपको यहाँ पे। अब क्या होगा यहाँ पर हम माइनस वन है तो ऊपर माइनस वन प्लस वन करेंगे, फोर टाइम्स एन स्क्वायर माइनस वन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन प्लस यहाँ पर भी सेम फोर एन माइनस वन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन। डायरेक्ट लिखेंगे इसके बाद, इसका हो गया ई माइनस ई प्लस वन। अच्छा अब यहाँ पर जब इसके साथ आप लिखेंगे तो एक फैक्टर कैंसिल करके डायरेक्टली लिखूँगा मैं एन प्लस वन अपॉन एन माइनस टू मिला, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 4 अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन मीन्स 4e। यहाँ पर देखिए इसके साथ एक बार कैंसिल और एक इसके साथ तो ओवरऑल 4e प्लस 4e माइनस 2e प्लस 1। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4 अंदर ही अभी कर रहे हैं हम क्योंकि हमने अभी इसके साथ कैंसिल किया था, इसका रिजल्ट हमने पहले लिख दिया था। अब यहाँ पर आपने 4 माइनस 2 किया तो एन माइनस 2 तो प्लस 3 कर दिया अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 2, ये मिलके हो गया 12e माइनस 2 10e प्लस 1। अब अगर हम समझें तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 3e प्लस e
मिलके होगा 4e और 4 इंटू 4 हो जाएगा 16e, यानी 16e प्लस 10e प्लस 1 27e इज द राइट आंसर, 27e प्लस 1। अब मैंने यहाँ पर बहुत सारी स्टेप को सेव किया, अगर आपको कन्फ्यूजन है आप एक एक स्टेप को सेपरेट लिख के सॉल्व करिए, पर ट्राई करिए कि स्टेप्स कम से कम लगें। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, जैसे मैंने एक छोटा सा आइडिया देता हूँ, मान लीजिए ये है, तो आपने क्या किया था, n माइनस 1 n प्लस 1 प्लस 1 एंड देन उसके बाद मैंने फिर सेपरेट लिखा 4 n माइनस 1 n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 प्लस 4 अपॉन n माइनस 1, इसको इसलिए 4 ही लिख दिया था, और फिर इसको कैंसिल करा तो n माइनस 2 और ये n प्लस 1 के साथ आ गया। तो आपको कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप सेपरेट स्टेप लिख लें, पर ट्राई करें कि कम से कम स्टेप में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ।